ओके गाइस, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको एग्जाम पास करवाने में 100% मदद करेगा। मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ आपको एग्जाम बिल्कुल उसी तरीके से देना है, उसमें कोई डेविएशन नहीं होना चाहिए। सबसे पहला चीज कि आपका जो एग्जाम है ऑनलाइन होगा और 1 घंटे का आपका एग्जाम होता है, और इस 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और इन 50 क्वेश्चन के आंसर के टोटल 50 मार्क्स होते हैं, और आपको पास करने के लिए केवल चाहिए 17 मार्क्स। यानी 50 में केवल आपको 17 नंबर लाना है पास करने के लिए, जो बहुत ही इजी है। आपने जितना पढ़ा है वो काफी है, लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूं वो आपको गारंटी देता हूं कि आप एग्जाम आसानी से पास करेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है कि टोटल 50 क्वेश्चंस वहां पे हैं, और सारे 50 क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी और डी। एक चीज बताएं कि क्या सभी 50 क्वेश्चन के आंसर ए हो सकते हैं क्या, या सभी 50 क्वेश्चन के आंसर बी हो सकते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। या सभी 50 क्वेश्चन के आंसर सी हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। या सभी क्वेश्चन के आंसर डी हो सकते हैं? ये भी नहीं हो सकता। वहां जितने भी आंसर हैं वो सब ए बी सी डी इन चारों ऑप्शंस को मिला करके बने हुए हैं, ये सबको पता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, ये हमारे ऑब्जर्वेशन पे है। पिछले कई लोगों ने एग्जाम दिया, मैंने भी खुद एग्जाम दिया है, और वहां से एक ऑब्जर्वेशन मैंने लिया कि ये जो 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, इन चारों के 10-10 आंसर वहां पे हैं। मतलब 50 में से 10 क्वेश्चन के आंसर ए हैं, 50 में से 10 क्वेश्चन के आंसर बी हैं, 50 में से 10 क्वेश्चन के आंसर सी हैं, और 10 के क्या हैं, डी हैं। यानी इन टोटल को करें हम 10 10 10 10 10, तो ये टोटल हो गया आपका 40, जबकि आपके टोटल आंसर कितने हैं, 50 हैं। मतलब कि कुछ आंसर 11 है, कुछ 12 है, कुछ 13 है, बट इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं कि सारे ऑप्शंस के वहां पे 10-10 आंसर हैं, ये आप दिमाग में रखें। अब इसको हम यूज कैसे करेंगे? जैसा कि आपको पता है कि आपका जो ये एग्जाम होता है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी सारे आंसर को आपको टच करना है। तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहले आपका क्या होगा, स्टेप 1। पहला स्टेप में क्या है, आप क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक आप एक एक करके बनाएंगे, लेकिन यहां पे ध्यान ये देना है जिसके आंसर आप 100% श्योर हो आपको केवल उन्हीं के आंसर बनाने हैं। जिसका आंसर आपको आता है, आपने पढ़ा है, आपने ट्रेनिंग लिया है, और आपको मालूम है कि इसका आंसर ये है, तो केवल आप उसी आंसर को बनाएं जो आपको आता है। उसके बाद क्या करना है, आप आएंगे फिर स्टेप 2 पे। एकदम से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि केवल जो आता है वही आपको बनाना है। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आपने जितने आंसर अटेम्प्ट किए, जितने भी आंसर आपने बनाए, उसको आप काउंट करें कि कितने आंसर बने। लेट्स से कि आपने 12 आंसर बनाए, आपने कितने आंसर बनाए, 12 आंसर बनाए, और ये 12 के 12 करेक्ट हैं, मतलब आपको 12 नंबर आने हैं क्योंकि आपने केवल करेक्ट वाला ही बनाया था। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में ये जो 12 आंसर आपने बनाए थे, इस 12 आंसर में से कुछ के आंसर ए होंगे, कुछ के बी होंगे, कुछ के सी होंगे, और कुछ के डी होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरे 12 में से कितने आंसर ए हैं, कितने बी हैं, कितने सी हैं, और कितने डी हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, तो आपको वहां पे एक आंसर सीट दिया जाता है, उस आंसर सीट में 1 2 3 4 5 6 करते हुए 50 तक उसमें नंबर डले होते हैं। तो आप क्या करोगे, जब आप सिस्टम पे एग्जाम दोगे तो सिस्टम पर आपने 1 का ए बनाया तो उस पेपर पर भी साथ ही साथ 1 का ए डाल दो। 2 आपका नहीं बना, ओके। 3 नहीं बना, ओके। 4 का आपने बी बनाया, ओके बी। 6 का सी बनाया, ओके सी। तो इस तरीके से आप जब एग्जाम दोगे तो सिस्टम पे भी बनाना है और उस पेपर पर भी आपको साथ ही साथ लिखते चला जाना है। इससे क्या होगा, आपको ये जानने में आसानी होगी कि मेरे कितने टोटल बने और उसमें से ए कितने थे, बी कितने थे, सी कितने थे और डी कितने थे। लेट से कि आपके 12 आंसर बने थे, 12 में से आपके ए बन गए 2, बी बन गया 3, सी बन गया 4, तो 4 3 7 2 9 और डी बन गए आपके 3। तो ये टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए आपके 12। अब यहां पर क्या ऑब्जर्वेशन आप देख पा रहे हैं, सबसे कम कौन बना हुआ है, तो सबसे कम यहां पे बना हुआ है ए। बी का 3 बना हुआ है, सी का 4 और डी का 3। मैंने क्या कहा था, सबके 10-10 आंसर हैं, यानी कि
आपने ए आंसर दो बना चुके हैं, तो आपके 8 आंसर ए वहां पे बचे हुए हैं गारंटेड एकदम। तो आपका तीसरा स्टेप क्या होगा? तो स्टेप नंबर 3 ये है कि आपके जो 38 क्वेश्चन के आंसर जो आपने नहीं बनाए हैं, उन 38 में आपको क्या करना है, सब में आपको ए डालना है, टोटल में आपको ए डालना है। तो इन 38 में अगर आप ए डाल दोगे तो कितने नंबर आपको गारंटेड और मिलेंगे? तो दो आपने बनाए थे, 8 नंबर आपको और आएंगे, क्योंकि 10 की गारंटी है। तो 8 नंबर अगर आपको और आ गए तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 20, और आपको चाहिए था कितना पास करने के लिए, 17, तो आप एग्जाम को पास कर गए। मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल है, आपने जो पढ़ा है वो आपको पास करने के लिए काफी है। एक एक करके बनाए, लेकिन उन्हीं आंसर्स को बनाना है जो बिल्कुल आपने पढ़े हैं, जो आपको पता है, 2+2=4 होता है, आप जानते हो, बनाओ। नहीं आता है उस क्वेश्चन को टच मत करो। स्टेप 2 में जो भी आपसे बन पड़ा है उसको चेक करो कितने बने हैं, और उसमें से 4 ऑप्शन ABCD कितने आंसर है, जो भी कम होगा बचे हुए सब में आपको वही ऑप्शन डालना है। और गारंटी देता हूं कि ये जो टिप्स है ये आपको एग्जाम 100% पास कराएगा। इसके अलावे आपको कुछ भी नहीं करना है, एक ही माइंडसेट आप लेकर के एग्जाम देने जाएं कि आपको ये एग्जाम पास करना है, ना कि आपको टॉप करना है। अगर आप पास करने के लिए जा रहे हैं, 17 नंबर आपको लाना है, तो ये आसान तरीका है 17 लाने का। तो अपना दिमाग आप बिल्कुल नहीं लगाएंगे, जैसा बताया गया है बिल्कुल इसी तरीके से आपको एग्जाम देना है, और पास होकर के वन शॉट में आपको आना है। थैंक यू।